वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ हेयर एक्सटेंशन शेयर करूंगी जो मैंने ऑनलाइन परचेज किए हैं और काफ़ी रीजनेबल प्राइस में परचेज किए हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिखने वाले रेड बटन को क्लिक करके ग्रे कर दीजिए ताकि आपको मेरे सब वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं ये हेयर एक्सटेंशन आपको अपने बालों में लगा के दिखाऊंगी। मेरे बालों की लेंथ काफ़ी कम है और वॉल्यूम भी मेरे बालों का काफ़ी कम है। सबसे पहले मैं इस वाले हेयर एक्सटेंशन की बात कर रही हूँ जो काफ़ी लॉन्ग है। आपको इस तरीके की कॉम लेनी है, इस तरीके की कॉम से इन्हें अच्छी तरीके से कॉम कर लेना है ताकि इसके सारे टैंगल निकल जाए। ये एकदम नेचुरल हेयर लगते हैं और देखिए शाइन काफ़ी अच्छी है। आपको हाफ अपने हेयर्स लेने हैं, आपको ईयर के पास वाला हिस्सा लेना है इतने हेयर और बाकी हेयर्स को तो यहाँ इसके पिन से इनको ओपन करना है। इस तरीके से लेते हुए अब इनके ये पॉइंट से यहां से आपको चालू करना है। बस आपको टिप टॉप की पेन होती है उस तरीके से ही आपको लगा लेना है, इसको ऐसे बालों में अटैच करके क्लिक कर देंगे, ईजली आपके बालों में लग जाती है। देखिए अब जो साइड की पिन्स हैं उनको थोड़ा सिक्योर करने के लिए ये बॉबी पिन लेना है, सिक्योर कर लेना है ताकि आपको कोई भी टेंशन ना रहे। अब ये एक्सटेंशन कहीं नहीं लेने वाला, एज इट इज आपके बालों में रहेगा जब तक ये साइड से लेके कॉर्नर पे आपको एक पिन लगा देनी है। अब ये बिल्कुल सिक्योर हो गए, ठीक है। अब ये ऊपर वाले बाल मैं ने ओपन कर लेती हूँ। फ्रेंड नेक्स्ट एक्सटेंशन इस तरीके की एक्सटेंशन है, देख सकते हैं ये कर्ली हेयर है, काफ़ी सुंदर लगते हैं। अगर आप साड़ी वेयर करते हैं, लहंगा वेयर करते हैं, उस टाइम आपको एकदम से कुछ बनाने का टाइम नहीं होता और हेयर की कंडीशन भी कई बार ऐसी नहीं होती है कि हम उसको ओपन छोड़ सके, तो उस सिचुएशन में आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। ये दो तरीके से यूज़ होता है, एक तो इस तरीके से, तो ये इस तरीके के से यूज़ हो जाता है। तो कर्ल जो है इसके काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आना है तो आगे आप इतना पार्टीशन छोड़ दीजिए अपने वालों का और नेक्स्ट जो है पीछे से आप एक हाई पोनीटेल बना लीजिए। रबर बैंड से सिक्योर कर लीजिए। अब इसके बाद आगे का अगर आपको कोई स्टाइल बनाना है तो आगे का आप स्टाइल बना सकते हैं इस तरीके से।
कुछ नहीं करना होता, इसके अंदर एक क्लचर होता है, तो दिखा देती हूँ, क्लचर ओपन हो गया। बस आपको इस क्लचर को इस तरीके से लगा के इसको इस तरीके से प्रेस कर देना है, देन यू आर गुड टू गो। बहुत अच्छा लगता है ये देखिए, काफी रीजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं। मैं आपको लिंक दे दूंगी, मैंने कितने का खरीदा था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। मैंने आपको यूज़ करने का तरीका बता दिया। और ये इतना टाइट क्लचर होता है, ये देखिए, मैं कितना भी अपने हेयर को हिला लूँ ये कहीं नहीं जाने वाला, ये ऐसे ही रहेगा। कर्ल, ऐसे कर्ल आप पार्लर में बनाने जाएं तो पूरा दिन लगा देते हैं, ऊपर से आपके बाल और ख़त्म हो जाते हैं बिल्कुल। तो आप इस तरीके का कर सकते हैं अगर हमें एक दिन के लिए चाहिए, तो ये ईजिली रिमूव हो जाता है। इस तरीके के हेयर हैं तो इसको भी आप कॉम कर लीजिए। अगर आपको लगते हैं ना आपके हेयर थोड़े टेढ़े मेढ़े हो गए हैं रखने की वजह से, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ी प्रेसिंग कर सकते हैं। आप एक बार इसमें प्रेसिंग कर लेंगे ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं। इसलिए थोड़ी सी पोनी अपनी हाई रखें और आपको इसको बांध लेना है टाइट करके, और ये कहीं नहीं हिलता। इस तरीके से आपको इसको कवर कर लेना है। इसके ऊपर अगर आप कोई एसेसरीज लगाना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर कोई एसेसरीज लगा लीजिए, अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। काफ़ी अच्छी तरीके से ये टाइट हो जाता है। ये लीजिए, आपकी पोनी तैयार है। मैंने आगे से हेयर स्टाइल चेंज नहीं किया, आप चाहें तो इसको चेंज कर लीजिए। फिर एक प्रेसिंग कर लीजिए, प्रेसिंग करने के बाद ये और स्ट्रेट हो जाएंगे और ये कहीं नहीं जाने वाले, ये एज इट इज रहते हैं वालों में। ये देखिए, ये देखिए, इतने लंबे लंबे बाल। तो ये थे फ्रेंड्स सारे हेयर एक्सटेंशन, मैंने आपको लगाने का सही तरीका भी बताया। आप इस तरीके से इन्हें लगाइए, ये आप पूरे दिन भी इसे लगा के रखते हैं तो ये कहीं नहीं जाते हैं, और बालों में लगाने के बाद काफ़ी अच्छे भी लगते हैं। शॉर्ट लेंथ होती है, हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करना होता है अपने बालों में तो हम इन एक्सटेंशन का यूज़ कर सकते हैं, और लुक वाइज भी ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। हेयर बिल्कुल भी चीप नहीं लगते, ऐसा नहीं लगता कि आपने बहुत सस्ते खरीदे हैं, बट प्राइस की अगर बात करें ये काफ़ी रीजनेबल है, काफ़ी कम प्राइस में आपको मिल जाएंगे। लिंक मैं आपको दे दूंगी। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।